गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी गया हूँ, और आज बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ अब दूसरी साइड, कोस्टा क्रूज़। तो आज मैं जा रहा हूँ, GCC कंट्रीज़ का टूर है, कतर और मस्कत और फिर उसके बाद अबू धाबी, और ये मेरा 5 दिन का ट्रिप है। आज ये निकलेगा और कल सुबह कतर पहुंचेगा। तो अभी मैं जाऊंगा, चेक इन करूंगा और चेक इन के बाद उसके बाद अपना रूम विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कहाँ कहाँ पे जाते हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके चार्जेस क्या हैं, पैकेज कितने का है और कहाँ से मैंने परचेज़ किया है, सब डिटेल मैं आपको दूंगा। और इन्जॉय करते हैं ये 5 दिन का ट्रिप। ये इमिग्रेशन के बाद अब हम टर्मिनल से क्रूज़ के अंदर जाने लगे हैं और ये हमारी एक वेलकम फ़ोटो। ओके, तो फाइनली मुझे रूम मिल गया, बहुत ही बड़ा है। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में वॉशरूम है, कबर्ड और एक काउच रखा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है छोटी, और डबल बेड एंड सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट बालकनी। और भी ऑप्शंस हैं रूम की, बट सबसे अच्छा जो है जिसमें बालकनी व्यू है वो बहुत अच्छा है। तो ये देखें, इस टाइम ये क्रूज़ खड़ा है और मेरी साइड पे ये मरीना का व्यू है, पाम जुमेरा का व्यू है। तो अभी आई थिंक से फ्यूल जो है डाल रहे हैं इसमें। ओके, सो देखें ये छोटे क्रूज़ सब चल रहे हैं मरीना से, और इसके टोटल 16 डेक्स हैं और ये 12th डेक पे ये रूम है मेरा। तो अभी बाकी क्रूज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के लिए आपको उस मैंडेटरी है उसको अटेंड करना, उसमें आपको एक आपका मास्टर स्टेशन बताएंगे कि आपको खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में किस जगह पे जाना है, और हर पैसेंजर्स को एरिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और वो मास्टर स्टेशन है उसका। तो ये अभी एक हम टीम हमें लीड कर रही है और मेन हमें वो मास्टर स्टेशन दिखाएंगे, और पहले उन्होंने डेमो दिया कि आपको ये लाइफ जैकेट कैसे पहननी है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। क्रूज़ का सेलिंग स्टार्ट हो गया, एग्जैक्ट 11:30 बजे रात को सेलिंग टाइम था, और एग्जैक्ट 11:30 ये स्टार्ट हो गया। तो अभी इंशाल्लाह कल 2 बजे कतर पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे बाहर थोड़ा दोहा सिटी घूमेंगे। ऑलमोस्ट कुछ 6 घंटे का मैंने टूर बुक किया है, तो अभी देखते हैं वहाँ पे और कौन कौन सी जगह देखते हैं। तो तब तक मैं आपको कल सुबह ये पूरा क्रूज़ दिखाऊंगा यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अभी भी कुछ शोज़ हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ उनका व्यू।
ये भी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और ये एरिया, अगर आपको कोई भी आपको टूर बुक करना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट हम पोर्ट पे पहुँच गए हैं। पहले दूर से ही सिटी नज़र आ रहा था, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे इनकी फेमस बिल्डिंग्स भी हैं, जो फेमस लैंडमार्क्स हैं वो हैं। और आई थिंक के पोर्ट यही है, क्योंकि क्रूज़ जो है इसी साइड पे ही टर्न हो रहा है। लेट्स सी, और 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। बैक साइड भी देख सकते हैं ये, क्योंकि अभी ये नीचे से मिट्टी उड़ रही है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल लो लेवल है यहाँ पे पानी का। अभी दोहा तो पहुँच गए हैं, बट ये शिप कुछ आधा घंटा जो है पहले पहुँच गई यहाँ पे। तो अभी टर्मिनल जो है वो रेडी नहीं हुआ और आधा घंटा लगेगा, तो तब तक मैंने सोचा कि कुछ लंच कर लें। वैसे तो मेरा प्लान है कि बाहर जाके मैं किसी देसी रेस्टोरेंट से खाना खाऊं, बट लेट्स सी वहाँ पे क्या मिलता है। बट थोड़ा सा अभी यहाँ पे खाते हैं। अभी क्रूज़ से बाहर आने के बाद अब टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद फिर मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ, और यहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ उसकी।